सो वेल गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर, कवर सिंगर, यूट्यूबर, पॉडकास्टर या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में इंगेज्ड जहाँ पर कि आपको काफ़ी सारी वोकल्स डबिंग करनी पड़ती है, वोकल्स रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मोस्टली हम सारे ही आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम विथ वोकल क्लैरिटी, कि जब भी हम डबिंग करते हैं तो उस टाइम जो वोकल हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी क्वालिटी कुछ बेटर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको और बेटर और क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो आज इन पॉप फिल्टर्स के साथ मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सिंपल सी टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी 20-40% अपनी वोकल डबिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉप फिल्टर आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। डिटेल्ड एक कंपैरिजन करेंगे रिकॉर्डिंग का, आई थिंक उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी रिकॉर्डिंग में। इट्स अ वॉइस सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पॉप फिल्टर या फिर इस तरह के विंडशील्ड का पर्पज़ क्या होता है और किस तरह से आप एक बेटर रिकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। आप अपने मुंह के सामने थोड़ी सी डिस्टेंस पे, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे अपना आप हाथ रखिए और एक एक करके सारे अल्फाबेट्स आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। तो जब आप एफ बोलते हैं, एच बोलते हैं, के बोलते हैं और पी बोलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ पे काफ़ी सारा हवा का ब्लो कॉन्टैक्ट होता है, काफ़ी सारा थ्रो के साथ हवा आपके हाथ को हिट करती है। तो एग्जैक्टली सिमिलरली जब आप ये वर्ड्स, जब आप ये अल्फ़ाबेट्स रिकॉर्ड करते टाइम आप बोलते हैं, तो इसी तरह का जो थ्रो, जो आपकी हवा का जो थ्रो है वो टकराता है आपके माइक्रोफोन के डायफ्रेम के साथ, जिससे कि होता क्या है कि इससे जो साउंड क्रिएट होती है, जो ये एक्स्ट्रा थ्रो है हवा का, जब वो उससे टकराता है तो काफ़ी सारे डिस्टॉर्शन साउंड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी वोकल्स की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड आती है और क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। अब जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि हमें इस थ्रो को, जिसे हम प्लोसिव कहते हैं बेसिकली, उस थ्रो को डायरेक्ट हमें अपने माइक्रोफोन के डायफ्रेम के साथ कॉन्टैक्ट करने से रोकना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 3-4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम एक एक करके सारी टेक्निक्स देख लेते हैं, टूल्स देख लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा होने वाला है। सो वेल गाइज, टू स्टार्ट विथ हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी तरह का कोई यहाँ पर पॉप फिल्टर या फिर विंडशील्ड यूज़ नहीं करते हैं तो उस टाइम हमें किस तरह की वोकल्स डबिंग में आप डब करते हैं। तो इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फिफिन का माइक्रोफोन, जो कि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके साथ मैं नॉर्मली एक पॉप फिल्टर और एक विंडशील्ड यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको मिलती है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं कोई पॉप फिल्टर यूज़ ना करूँ, कोई विंडशील्ड यूज़ ना करूँ, तो हमारी जो वोकल्स है वो एक्चुअली में किस तरह की साउंड करती है। तो यहाँ पर एक छोटे से रैप की 2-4 हम लाइनें डबिंग करके देखते हैं, और स्पेशली आप नोटिस कीजिएगा कि किस तरह के कुछ वर्ड्स पे हमें यहाँ पर डिस्टॉर्शंस और फम्बलिंग वर्ड या फिर प्लोसिव साउंड देती है। आई गॉट एम्प्टी पॉकेट्स, हाथों में खक ना, किस्मत पे कम भरोसा, खुद पे कोई शक ना, फक ना। सो वेल गाइस, अगर आप इस रिकॉर्डिंग को क्लियरली सुने तो आपको भी चीज़ समझ में आएगी कि प्लोसिव स्पेशली उन वर्ड्स पे आते हैं जहाँ पे हम फॉ या हॉ इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डबिंग क्वालिटी है वो उतनी इम्प्रूव, उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं विंडशील्ड्स की। तो इस तरह के विंडशील्ड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, सबसे सस्ता जुगाड़ यही है। सबसे सस्ता इसमें जो टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये विंडशील्ड है। तो इस तरह के आप थिक विंडशील्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको 150 से 200 रुपये के बीच में ईजिली मिल जाते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो बेस्ट क्वालिटी के ट्राइड एंड टेस्टेड विंडशील्ड है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि विंडशील्ड लगाने के बाद हमें किस तरह की क्वालिटी सुनाई देती है। आई गॉट एम्प्टी पॉकेट्स, हाथों में खक ना, किस्मत पे कम भरोसा, खुद पे कोई शक ना, फक ना। सो वेल गाइज, आई एम श्योर कि ये वाली रिकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। काफ़ी हद तक इसने प्लोसिव को यहाँ पे प्रिवेंट किया है, क्योंकि जब भी हमारे प्लोसिव वर्ड्स यहाँ पे टकराते हैं तो माइक्रोफोन के डायफ्रेम से जाने से पहले ही ये उसको फिल्टर आउट कर लेता है। बेसिकली ये फॉर्म के बने होते हैं और काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर ये हेल्प करते हैं। अराउंड 20% तक ये आपके जितने भी प्लोसिव्स है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं और आपके सिर्फ क्लियर वोकल्स यहाँ पर आपको साउंड करती है।
सो वेल गाइज, जो हमारे पास सेकंड टूल है वो है इस तरह का एक फैब्रिक का बना हुआ पॉप फिल्टर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है पिछले 30-40 सालों से स्टूडियोज़ में, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने होम स्टूडियो में, प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फैब्रिक की दो लेयर होती है यहाँ पे, कपड़े की लेयर होती है जो कि बेसिकली आपके जो वोकल्स का थ्रो होता है, जो प्लोसिव वर्ड्स होते हैं, उसको काफ़ी हद तक ये स्कैटर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से जो आपकी हवा का थ्रो है वो सामने माइक्रोफोन को हिट नहीं करता और सिर्फ क्लियर वोकल्स ही यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में लाइटर है, तो देखा मैंने एक सिंपल सा थ्रो किया हवा का, और हवा का थ्रो इतना पावरफुल था कि उसने लाइटर को बुझा दिया। बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपने पॉप फिल्टर को, तो अब देखिए कि कितना प्रिवेंटिव, कितना यूज़फुल होता है हवा के थ्रो को प्रिवेंट करने में, रोकने में और उसे स्कैटर्ड करने में। तो देखा आपने कि कितनी बार मैंने ब्लो आउट करने की कोशिश की इस लाइटर को, बट हवा का थ्रो यहाँ पर ही इसने कंट्रोल कर लिया और आगे लाइटर तक नहीं पहुँच पाया। एग्जैक्टली उसी तरह से हवा का ब्लो ये आपके माइक्रोफोन के डायफ्राम तक पहुँचने से रोकता है। तो अब एक बार ही हम इस पर भी रिकॉर्डिंग करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह की हमें यहाँ पर वोकल डबिंग की क्वालिटी मिलती है। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया और अगेन फिर से रिकॉर्ड करके देखते हैं। आई गॉट एम्प्टी पॉकेट्स, हाथों में खकना, किस्मत पे कम भरोसा, खुद पे कुछ शकना फकना। तो गाइस अगर आप इसे केयरफुली सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वोकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं लास्ट और सबसे एक्सपेंसिव मेथड की, जो रिसेंटली अभी जो टेक्निक है जो अभी आई है, और आपने काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को इंटरनेशनल स्टूडियोज़ में आपने देखा होगा इस तरह का एक मेटेलिक पॉप फिल्टर यूज़ करते हुए आर्टिस्ट को। बेसिकली इसका अगर आप डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन में क्या होता है कि एक ऊपर से थोड़ा कर्वी है और नीचे से थोड़ा ट्रायंगल है। तो नॉर्मली जो हवा का थ्रो होता है, जो सामने से हवा का थ्रो आ रहा है, ये सामने हिट करने से रोकता है और हवा का थ्रो आपको यहाँ पर फील होता है। तो अगर मैं कुछ बोलता हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, तो हवा का जितना भी थ्रो है वो सामने आपके माइक्रोफोन तक जाने से पहले ये रोकता है, और सारा का सारा जो हवा है उसको, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से बना होता है कि उसे नीचे की तरफ डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है और सिर्फ सामने आपकी क्लियर वोकल आपको साउंड करती है। इसके साथ भी अगर हम एक बारी चेक करें विद दिस सेम लाइटर टेक्निक, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने देखा कि हवा का थ्रो जो था वो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और ऊपर की तरफ उतना स्ट्रांग नहीं था। तो बेसिकली जब भी हम अपने माइक्रोफोन पे इसके साथ कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हवा का थ्रो ये नीचे की तरफ ले आता है और सिर्फ सामने आपको क्लियर वोकल्स साउंड करती है, रिकॉर्ड होती है। इस तरह के जो हमारे पॉप फिल्टर्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तकरीबन 3,000 से 5,000 की रेंज में आपको ये ईजिली मिल जाते हैं। जो मैंने पर्टिकुलरली ये डिज़ाइन दिया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर भी एक बार हम रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि किस तरह की वोकल रिकॉर्डिंग ये हमें देता है। आई गॉट एम्प्टी पॉकेट्स, हाथों में खकना, किस्मत पे कम भरोसा, खुद पे कुछ शकना फकना। तो आई एम श्योर कि जितनी रिकॉर्डिंग मैं इस पर काफ़ी पिछले 5-7 दिनों से कर रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है वो ये एक्सपीरियंस हुआ कि इसके साथ जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ विथ विंडशील्ड या फिर इस तरह के नॉर्मल पॉप फिल्टर से। तभी शायद इसका प्राइस भी इतना एक्सपेंसिव है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बेटर है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन लेकर आपको रिकॉर्डिंग करने की आदत है तो आप इजीली कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बट अगर आप इस तरह का कुछ भी लेते हैं तो इससे आप पढ़ नहीं पाते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर नोटपैड में कि आपने क्या लिखा, तो लिरिक्स आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस हिसाब से भी प्रैक्टिकलिटी में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और वेल गाइज, अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम पॉप फिल्टर्स को किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे या फिर आप इस टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक सिंपल सी टिप देता हूँ कि जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये टिप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का विंडशील्ड या पॉप फिल्टर नहीं है तो आपको क्या करना है कि माइक आपको सामने ना रख के 45 डिग्री पे रखना है, ताकि आपका जो हवा का थ्रो है वो सामने जाए बट जो आपकी वोकल की साउंड्स हैं वो डायरेक्ट माइक में जाए और यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। इस तरह से आप अपने वोकल्स के थ्रो को थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर सकते हैं डायरेक्शन उसकी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको इस तरह से दो उंगलियाँ बनानी है और माइक पे इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि जो आपका हवा का थ्रो है, जो ब्लो है, जो आपका प्लोसी है, वो यहाँ पर आपका रुक जाए और सिर्फ आपके जो वोकल्स है वो सामने क्लियर हो जाए। तो गाइज़ मैंने आपको यहाँ पे टिप्स दे दी है और आई थिंक
150-200 रुपये के आसपास से लेकर हमारा 300-400 रुपये का पॉप फिल्टर के बारे में हमने बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट 3000-5000 का मेटल पॉप फिल्टर जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं विंडशील्ड को इस पॉप फिल्टर के साथ यूज़ करता हूँ तो सबसे बेस्ट रिजल्ट ये देता है और काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वोकल्स मेरी यहाँ पर डब हो जाती है। सो वेल गाइज, इन सारे ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अमेजन पर जाकर बाकी आर्टिस्ट के रिव्यूज़ भी चेकआउट कर सकते हो और देखिए कि बाकी आर्टिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप कन्विंस होते तो अपने बजट के हिसाब से इनमें से आप कोई भी पॉप फिल्टर या फिर विंडशील्ड ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, आपका 20-40% तक इंक्रीज होगी क्लैरिटी आपकी वोकल्स की। और गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प योर क्वेरी, आपको रिजॉल्व करके दूंगा मैं क्वेरी। और किसी एक ऐसे आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको इस तरह के इक्विपमेंट्स उसकी वोकल रिकॉर्डिंग में उसको हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स अ बस होता हूं साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल द लॉट्स ऑफ लव एंड peace.